राम राम भाई साहब। मैं आज मेरा CHSL 2024 का 26वां दिन, तो भैया आज तारीख हो गई 17 जून, दिन बचे हैं 13, 14, 15 दिन बचे हैं। तो भाई मेरी कैसी तैयारी चल रही है, कल मैंने क्या पढ़ा, मंडे है तो कल संडे को मैंने क्या पढ़ा और शनिवार को मैंने क्या पढ़ा। शनिवार को जो पढ़ा वो मैं बताऊँ, मंडे को मैंने सिर्फ और सिर्फ रिविजन किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा। तो भाई शनिवार क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने दिया एक मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूँ टेस्ट बुक ऐप से। भाई थोड़ा थोड़ा दिखना लगा, मतलब वो थोड़ा थोड़ा वो दिखना लगा कि हाँ भाई छोरो कम सो है, नींद चढ़ रही है। तो वही है, मैंने नशो करना है, कह के तो किसी क्या नशा सी ला ले सी। मैंने समझ लो देखो पढ़े है ना धीरे धीरे, तो टारगेट सिलेक्शन लेने को टारगेट से आने वाले 10 दिनों में वराशी सुजानी हाथ ने सोजन लिखाण है, आँख इसी मोटी मोटी करनी से और वह गहरा गड्ढा डार्क सर्कल बोले हैं, कई रील भी आती रही है ना ऐसे ही नहीं पड़े डार्क सर्कल दिन रात एक, बस मैंने वो करना सर, मैंने सेलेक्शन ना ले ना चाहो मैंने CHSL, मैंने बस वह जो आँख से ना वो समझ गया होगा, बस वही टारगेट से रात में 5 ना 11 साढ़े 11:15 है, 11:30 सौ सुबह उठूँ 5:30 बजे 6 घंटा ही नींद ले, लेकिन उठ लाइब्रेरी में भाई साहब गैल चढ़ जाए, जब जैसे 12, 1, 2 बजे ना ऐ तो नींद आओगी, फिर थोड़ी देर ना बस 2 मिनट ही बाहर न जाऊँगा, पानी पिकाऊँगा, आँख हाथ पानी लगाऊंगा और आँख बैठ जाऊँगा। वही कहाँ टेक्स्ट बुक पर ये मेरा कूपन कोड लगाओगे तो आपको 13% की छूट मिलेगी। भाई वहाँ पर दुनिया भर के एक पेपर है मॉक टेस्ट, दुनिया भर के तुम ख़त्म नहीं कर पाओगे, प्रीवियस ईयर 5 साल के लिए 10 साल के लिए कितना भी ले। तो मैं फिलहाल प्रीवियस ईयर एग्जाम के मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, पिछले साल 2023 में हुए थे, मैं टोटल 10 दे चुका, तो उसमें मेरा क्या स्कोर रहा, स्कोर ये रहा भाई मेरे मार्क्स आए 132 मार्क्स, 200 में से 132 कट ऑफ लगी थी पिछले साल OBC के 152 कट ऑफ, ठीक है। अब क्या है, मैंने टोटल 81 क्वेश्चन किए, 81 में से 69 मेरे सही है, 12 मेरे गलत है, 19 में छोड़ के आया, 69 सही है, 69 का दुगना एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो कितना 138 नंबर हो गए, 12 क्वेश्चन गलत है तो 6 नंबर कट गए 132 नंबर, ठीक है। अब कह रहे आते हैं हम रीजनिंग पर, रीजनिंग में मेरे आए हैं 23 नंबर, 25 में से 23 क्वेश्चन सही है, 1 क्वेश्चन गलत है और 1 क्वेश्चन में छोड़ के आया हूँ। फिर आता है जिक्के, जिक्के मेरे 12 क्वेश्चन सही है, 6 क्वेश्चन गलत है और 7 क्वेश्चन में छोड़ के आया हूँ, ये भी चलो ठीक है, अच्छी बढ़ोतरी कर रहा हूँ। फिर आता है मैथ, भाई साहब जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा घमंड था ना, हमें तो अपनों ने लूटा परावे में कहा दम था, वो ही मेरे साथ हुआ, जब मन लगा हाँ भाई मैथ पर तो लठ गाड़ देंगे, यहाँ कर देंगे वाह कर देंगे नो कर देंगे नो, मैथ मेरे नंबर आए हैं, क्वेश्चन मेरे सिर्फ 15 सही हुए, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, 8 क्वेश्चन मैं छोड़ गया, 25 में से सिर्फ 15 सही हुए, और मैं आदमी वो हूँ 25 में से 25 सही करना, 25 में से सिर्फ 15 सही हुए हैं। लेकिन फिर मैंने एनालिसिस किया भाई, क्यों पेपर देने से बात नहीं बनती, एनालिसिस भी करना पड़ता है, देखा भाई कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, आगे नहीं हुई, तो देखा भाई 7-8 क्वेश्चन 25 में 10 जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ गलत किया हूँ, 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे हाँ भी कर सकता था, लेकिन बस टाइम की वजह से टेंशन की वजह से आएगा। फिर आता है इंग्लिश, वही बात है अपनों ने लुटा परावे में कहा दम था, तो मैथ में डूब गए इंग्लिश में छा गए, इंग्लिश में भाई साहब 25 में से देख लो 19 क्वेश्चन मेरे सही है, 3 क्वेश्चन गलत और 3 क्वेश्चन छोड़ गया, या वही इंग्लिश है या वही इंग्लिश है 2022 में दिल्ली हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर दिया था दिल्ली पुलिस का, 25 में से मेरे 2.5 नंबर आए थे वही इंग्लिश, और आज मेरे 25 में से 19 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या भाई ऐसे सही नहीं, और वो दिखाता हूँ ना आपको वो क्या मैं भरता हूँ पूरा पेज ऐसे कौड़ा पेड़ा कर देता हूँ, बस उसी की मेहनत है, और मैथ आजकल कम ध्यान दे रहा हूँ तो मैथ में डूब रहा हूँ, मैथ में यार गलत हो रहा है पर कोई ना मैं करूँगा सही, मेरा तो ट्रिग्नोमेट्री में एक आधा नंबर कट रहा है वो तो थोड़े वीक से नहीं पढ़ूँगा, थोड़ा और जोर लगाऊंगा, ये है मेरा। अब सुनो मेरी बात, मैं कैसे अटैम्प्ट करता हूँ, दुनिया कहती है क्या कहती है, अब भाई सबसे पहले करो इंग्लिश जिक्के ये करो, मैथ रीजनिंग को बाद में करो, ये टाइम लेती है मैथ में, मैं उल्टा करता हूँ हमेशा, मैं सबसे पहले लेता हूँ रीजनिंग को, दूसरे नंबर पर लेता हूँ मैथ को, तीसरे पर जिक्के को और चौथे पर इंग्लिश को, इसको एक रीजन है और रीजन भी ज़बरदस्त कह रहा हूँ। अगर भाई एक बात बताऊँ, अगर तुम शुरू में इंग्लिश और जिक्के करोगा, मान ले 15-20 मिनट में कर दी इंग्लिश जिक्के, अब थमना नहीं पता होगा बाद में मैथ हार्ड आ रही है या सरल आ रही, हार्ड आ रही तो 1 क्वेश्चन 1.5 मिनट में भी होगा और सरल आ रही से 1 क्वेश्चन 20 सेकंड में भी हो, ना पता था ना पता, लेकिन अगर पहल थम मैथ करोगा तो थारो पहल टाइम चलो जाओ लास्ट बचेंगी 10 मिनट 15 मिनट, तो थाना अंदाजो रहेगा बस 10 मिनट बची है और जिक्के में कैसे है जितनी जल्दी पढ़ सका क्वेश्चन वो पढ़ दे, कुल मिलाकर बात यही है, अगर जिक्के तुम शुरू में करोगा तो फिर थम टाइम को अंदाजो ना रखो, अब भाई इतना टाइम बचो है मैथ में और क्वेश्चन हो सके सरल आज जी
टाइम ज़्यादा बच जाए, हो सके मैथ हार्ड आ जाए, मान लो ना यह बात, तो मैं हमेशा क्या करूँ, मैं ना रीजनिंग सरूँ मैं, फिर मैथ, फिर जीके और फिर इंग्लिश। तो जैसे ही वो 60, 59, 58, 57 वो चलती है ना, वो एक घंटे के ऊपर होता है, रीजनिंग शुरू करता हूँ। मैंने रीजनिंग की है 12 मिनट 1 सेकंड, मतलब 12.1 मिनट में मैंने रीजनिंग का जो ख़त्म किया है, मतलब 48 सेकंड मैं टारगेट बना रखा है। अगर जैसे वो 48 मिनट पर पूछेगी ना, रीजनिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर 25 मिनट में ना 24 मिनट में मैं करूँगा, 23 मिनट में मैं करूँगा मैथ, मतलब लास्ट की जो 25 मिनट बचेगी ना उसको मैं दूंगा इंग्लिश और जिक्के को, 4 मिनट में मैं जिक्के करता हूँ, बची 20 मिनट, 20 मिनट में वहाँ से 7-8 मिनट में मैं इंग्लिश करता हूँ, लास्ट की 12 मिनट मेरी बच जाती है एग्ज़ाम, 12 मिनट पहले हो जाए, फिर जो क्वेश्चन छोड़ा है ना, रीजनिंग छोड़ा, मैथ छोड़ा, वो करता हूँ। भाई साहब मेरी एक बहुत तगड़ी खासियत है, मामी से जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ वो टेस्ट, शुरू में रीजनिंग पढ़ू जल्दी जल्दी टिक 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 टिक, आ वो कर दूँ ना वो छोड़ दूँ, है ऐसे ही मैथ करूँ बहुत जल्दी टिक 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 टिक, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन छोड़ दूँ मैथ, फिर सब गेम कर दूँ, लास्ट के जो 10 मिनट बची फिर दोबारा आऊँ उसमें जो क्वेश्चन छोड़ दिया सुन पे, और फिर जब की जब पकड़ ले दिमाग, शुरू में दिमाग लगाऊँ सच ना हो बाद मत जाओ। तो यही है भाई, मैं तो पहले ये करता हूँ, और देखो रीजनिंग मैंने की है 12 मिनट में की है, जिक्के मैंने की है 5 मिनट में, मैथ की है 31 मिनट में, इंग्लिश की है मैंने 9 मिनट। ये है मेरा मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट में मेरा नंबर है 132, ये वही मॉक टेस्ट है, मैंने शुरू किया था 113.5 नंबर से, आपको वीडियो बना के दिखाई भी थी, और आज मेरे 132 नंबर आ रहे हैं, कल मेरा टारगेट रहेगा 135 प्लस का, मेरा टारगेट है 155 नंबर, बस ऐसे ज़्यादा मन ना चाहें, ऐसे कम भी ना चाहें, 155 नंबर बहुत ज़िंदगी कामयाब है। तो बस वही है, 132 तक पूछ गो 15 दिन 15 नंबर 20 नंबर, ठीक है। जो गलती है भाई मैं एनालाइज ही करूँ, हाँ बस बहुत कम जो सही करने वाला है मैं गलत कर दूँ ना। सबसे पहले बात करते हैं भाई इंग्लिश वोकैब की, वोकैब मैं कर रहा हूँ ब्लैक बुक से, आपको पता है डेली 20 सिनोनिम्स करता हूँ, 20 एंटोनिम्स करता हूँ, 20 वन वर्ड करता हूँ, 20 वो ईडियम फ्रेजेस करता हूँ, और ये भाई मेरी इंग्लिश वो ब्लैक बुक, तो उसमें देख लूँ वन वर्ड है पिछली वीडियो मैंने यहाँ तक 380 तक मैंने वन वर्ड कर लिए थे क्रिप्टोग्राफी तक, फिर मैंने 20 और याद किए शनिवार को, देख लो ये सारे, ये थोड़ी इंट लिख लिख के देखिए, ठीक है दिख गए, दिख ये सारे 400 तक देख निशान लगा रखा है, तो मैंने 400 तक ये किए हैं वन वर्ड। फिर आता है अपना ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है पिछली वीडियो मैंने 380 तक कर रखे थे ईडियम फ्रेजेस, फिर ये 20 और ये सारे चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल, ये सारे मैंने 400 तक निशान लगा रखा है, ये देखो यहाँ तक मैंने किया, फिर देख लो एकदम कच्ची नोटबुक है, कतई निशान नहीं है, कल 20 देख लो, कल यहाँ काली पीली कर दूँगा मैं। फिर आता है अपना सिनोनिम्स, सिनोनिम दिख गए पिछली वीडियो में, यहाँ तक 370 तक कर लिए थे मैंने सिनोनिम्स, देख लो कैसे पेंसिल से लिख लिख के कर, ये भाई ट्रिक है याद करने की भाई इतने जल्दी याद। फिर मैंने देख लो ये 390 तक कर रखे डिसएस्ट्रस तक, फिर देख लो खाली है, फिर कल मैं करूँगा 410 तक, ये देखो कुछ नहीं लिखा ना, इसको भी कर दूंगा कल काली पीली। फिर आता है अपना एंटोनिम्स, एंटोनिम्स पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक देखो 350 तक कर रखे थे डिफरेंट तक, इसका आएगा सिमिलर, तो उसके बाद 20 और आगे किए हैं, ठीक है ये सारे 20, 370 तक कर दिए मैंने एंटोनिम्स। फिर आता अपना स्पेलिंग, स्पेलिंग पिछली वीडियो में डिलीवर 950 दिख गए यहाँ तक मैंने कर रखा था, उसके बाद 100 स्पेलिंग 1050 यहाँ तक, डिसअपॉइंट तक यहाँ तक, ये सारी स्पेलिंग की है ये सारी, कल और 1150 तक कर दूँगा 100 स्पेलिंग और, ठीक है। ये भाई अपनी रफ नोटबुक, और पिछली वीडियो मैंने यहाँ तक ये देखो ट्रेपेजियम यहाँ तक बना रखा था, आप जाके देखो फिर आपको पता लगेगा, देख लिया उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है देख लो पिछली वीडियो में, उसके बाद देख लो कितना पेज बढ़ दिया रफ नोटबुक, ऐसे ही पेन ना घसरो। ये भाई मैं बाद में बताऊंगी मैंने क्या पढ़ा है, मॉक टेस्ट दिया था उसका वो है थोड़ा, ये जो मॉक टेस्ट दिया था ना, हाँ सच्ची, तो देखो पिछली वीडियो में यहाँ तक भर रखा था, फिर मेरा पेज था एक खाली पड़ी थी फिर पीछे से, तो मैंने फिर यहाँ पर दिया मॉक टेस्ट, ठीक है मॉक टेस्ट ये देख लो, ये मॉक टेस्ट ये सारा, वो जो मॉक टेस्ट 132 नंबर आए थे ना वो सारा है, ठीक है ये सारा। फिर आती अपनी इंग्लिश वो कैब, भाई क्या गई थी इंग्लिश माया मेरे 25 में से 19 नंबर ऐसे ही ना आया, जब दिन रात काली पीली करनी पड़ा है तब आया, देख लो यह है मेरी इंग्लिश ना वो कैब लिख लिख कर देखी डेढ़ पेजों में, ऐ तरह कुछ समझ आ रो है ना आ रो मेरे में ना आ रही हो, देखो घटी तो ना कुछ है कि पता उन्होंने के ना मन क्लोवन ऑफ बुरी नीयत ये सब ना दिखो था ना कोई ना, तो ये सब है
वो कैब लिख लिख के देखिए, ये है मेरा सबूत, ठीक है ठीक है। फिर आते भाई अपनी मैथ, मैथ में मैं पढ़ रहा हूँ आदित्य रंजन सर से, मेरा चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री टोटल उनकी 60 क्लास है, मेरी 45 क्लास खत्म हो चुकी। कल मैंने रोज में 5 क्लास पढ़ रहा हूँ, कल मैंने 5 क्लास ली, एक क्लास 1 घंटे की होती है। तो मैंने कल क्या किया, शनिवार को मैंने 46, 47, 48, 50 ये सारी क्लास मैंने पढ़ी है, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया भाई, एक नंबर मास्टर है, बढ़िया है, कमी करना है। अब सुनो मेरी बात, ज्योमेट्री में एक चीज़ में देखिए, मॉक टेस्ट दिया, यही एनालिसिस कर रहा हूँ, और कुछ ना करो ठीक है गोभी। फिर क्या किया मैंने भाई, मैं एक चीज़ नोटिस की, ज्योमेट्री में से सर्कल से मोस्ट ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर मॉक टेस्ट में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ रहे ज्योमेट्री से, और दो में से कम एक क्वेश्चन तो सर्कल से है, और सर्कल से भी क्या है, दो सर्कल है, एक गोला यहाँ पर एक गोला यहाँ पर, इसकी रेडियस दे दी और इसकी रेडियस दे दी, इनके बीच की दूरी दे दी इतनी है, तो टेंजेंट हिंदी पता नहीं क्या की, तो उसकी दूरी बता, बस यो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ज़्यादातर। तो अब मेरा खत्म हो, मतलब 2 दिन और बचा है, 2 दिन में मैं करती हूँ ज्योमेट्री, फिर मेरा खत्म हो जाए। अब मेरा सर्कल शुरू ही हुआ है ज्योमेट्री, बाकी ट्राइंगल पॉलीगन ये सब खत्म हो गए, ट्रेपीजियम फलाना दिखाना जो भी प्रॉपर्टी, वीडियो मैंने यहाँ तक लिख रखा था, आप जाके देख लेना, नोट्स बना रखे। फिर मैंने जो 5 क्लास ली उसमें उसने पॉलीगन पढ़ा है, पॉलीगन की ये नोट्स बनाए देख लो आप, दिख रहा होगा साफ, हाँ दिख रहा है, ये सब नोट्स बनाए हैं, बस ऐ ज़्यादा ना बनाया क्योंकि और ज़्यादा कुछ बनाने जो गात को नहीं था, तो मेरे समझ में दिमाग में बैठी, मैं वही नोट्स बनाता हूँ जो मेरे दिमाग में ना बैठे। तो अब सर्कल चैप्टर उन्होंने पिछली वीडियो में ही शुरू किया, तो कुछ शुरू में तो है नहीं बनाने जोगे, आगे अब कल जो भी सर्कल में नोट्स मिलेंगे ना वो यहाँ बनाऊँगा ठीक है। तो ये देख, ये कल बनाए हैं। फिर ये अपनी इंग्लिश ख़त्म हो गई यहाँ पर रफ नोटबुक में। फिर ये थोड़ा ये मॉक टेस्ट ही दिया है, वो दिया था ना वही है, मॉक टेस्ट। फिर आती अपनी मैथ। फिर मैंने ये जो सर्कल चैप्टर शुरू हुआ ये सब मैंने यहाँ से शुरू किया, देख लो रफ नोटबुक है, मैथ जो 5 क्लास पढ़ी है वो नोट्स नहीं, जो क्वेश्चन भी सोल्व किए, ये देख लो, ये एक देख ट्रेपीजियम बन रहा ना, पॉलीगन है वो 5 ना रखे बोले पेंटागन, हाँ वो सब, ये देखो ये सब 5 क्लास में ये सब किए हैं, बाकी देख लो ये खाली पड़ी है रफ नोटबुक। कल भाई कम से कम 15 पेज भर दूंगी इसने, पेन ऐसे मैं कहता हूँ ना पेन भाई मेरा, 2 दिन में एक पेन खाली हो रहे हो, 2 रुपये वाला पेन ना 3 रुपये होगा भाई, महंगाई पड़ेगी। कल देख लो खाली पड़ी है, नहीं भर दूँ मैं भी। ये जिक्के मैं पढ़ रहा हूँ किससे, नवीन सर से, रोजगार विद अंकित से, डेली मैं उनको एक बोल लेता हूँ प्रैक्टिस सेट, मेरा टोटल 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके, कल मैंने 1900 प्रैक्टिस सेट किया था शनिवार को, भाई साहब इतना ज़बरदस्त मास्टर है भाई साहब। एक बात बताऊँ, कल मेरे पास एक फ़ोन आयो आजमगढ़ से, एक लड़का को आजमगढ़ के पास है मऊ, वो भाई कह रहा भाई तेरा, मैं बोलो भाई मेरा नंबर कहाँ से मिला, जब बोले भाई तेरा यूट्यूब पे देखा था वहाँ डिस्क्रिप्शन में तेरा नंबर थे, ये थे वे थे, भाई बता कुछ, फिर मुझे ज्ञान दियो ज्ञान पे लो, जो जो बताए भाई सही बतायो नहीं भाई, नू नू से बाकी भाई तू देख ले तेरा अच्छी लागत करना लागत हमने तेज करा ठीक से, या नू तो ना बोले तेज करा अपना, बस नू बोलिया भाई देख ले तेरा अच्छी लागत करना करा, तो मना करा भाई तू देख, या बाकी उन ज्ञान फैलो तगड़ो तगड़ो ठीक है। फिर आता अपने मैथ ना के बोल लिया अगरी जिक्के में भाई रोजगार विद्यांकित शिखर, भाई साहब इतना ज़बरदस्त मास्टर है थाने यार, मैं यार 36 बार कह लूँ आदमी क्लास ले ले यार कामयाब सो। फिर आते करंट अफेयर्स भाई, मैं पिछले साल करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ फिलहाल जनवरी के, मैंने कहा कल मैंने जनवरी करंट अफेयर्स कुमार गौरव नोट्स बनाए सारे करंट अफेयर्स कर दिए जनवरी के, डेली मैं 1 महीने करंट अफेयर्स से 1 साल ले रहा हूँ, लिंक मैंने दोनों जो जो मैं पढ़ता हूँ वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया सारी, आप जाके देख लेना ठीक है। बाकी भाई मैं एक चीज़ और देखी, पिछले साल के जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उसमें पिछले साल 2023 में था अगस्त में पेपर, तो 2023 के जो वो करंट अफेयर्स आए हुए पूछ रहे हैं, तो भाई इसलिए मैंने 2024 में जो पेपर होगा ना अब 1-10 दिन बाद, तो उसके लिए भाई 2024 की पढ़नी पड़ेगी। कल मैं मना कर रहा था मत पढ़ो, आज मैं कह रहा हूँ भाई पढ़ो भाई, ये चीज़ मैं देखी जब तो भाई पढ़ना पड़ा, तो कोई ना डेली 1 महीना कर रहा हूँ कर दूँ, मार्च अप्रैल तक आ जाऊँगा इस साल की, मार्च अप्रैल तक कर दूँ 10 दिन ही 10-12 महीना ही कर दें, कोई दिक्कत, कल मैं पढ़ूँगा फरवरी करंट अफेयर्स ठीक है। ये अपनी भाई जिक्के की नोटबुक, यहाँ पर देखो ये देखो लिंगानुपात, ये जनसंख्या चल रही है अपनी है, यहाँ पर जनसंख्या खत्म हुई थी कल देख लो 1976 प्रथम जनसंख्या नीति का भाई 1976, उसके बाद जो पढ़ा है ना 1.5 घंटे क्लास लिए प्रैक्टिस सेट 18 किया है भाई 1900 ना क्यों, चलो कोई ना ठीक है, ये सब किए मैंने देख लो दिखा कुछ आहा तीरंदाजी शूटिंग आहा हाउ इज दैट आहा देख लो भाई
अरे देख भी रहे देख लो ये सब है बराबर गुफाई। अब एक बात बताओ इस बार कुछ खास कैसे भाई? इब देखो मेरे जिक्के में कम नंबर आ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक एक नंबर रोज एक एक नंबर बढ़ रहा है। कोई ना यार नहीं बढ़ेगा भाई। ठीक है देखो, विधान परिषद सिल्लापिदिकारम। भाई देखो यार देख लो, एक दिन में बनाया इसी सारा नोट से देख लो, पेज भर रहा नहीं बता जी ना चल भाई। ठीक है बहुत कम काम ज्यादा। हा, देख लो दिख रहा है ना। हाँ टोटल 40 क्वेश्चन थे, ये देखो मैंने 39 क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, वो आए थे 1 क्वेश्चन पता उनके थो तो मैं छोड़ दियो, मैं ना करूँ करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ा। देख लो खाली होगी यहाँ पर, खाली 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 खाली। कल भाई अगर नू समझ लो 15 क्वेश्चन दिखा दूंगा थाना, पढ़े उड़ा 15 क्वेश्चन पढ़ ना, 15 पेज भरे उड़ा दिखा दूँ, 15 तो ना 10 तो दिखा। ठीक फिर आती भाई करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये अलग नोटबुक्स है, इसमें मैं करंट अफेयर्स का बनाऊँगा 2023 जनवरी 2023 का जितना भी करंट अफेयर्स है ना ये सारे हैं। 1 घंटे की उनकी क्लास है, मैंने पढ़ने में 2 घंटा लग गया था देख लो, 2 घंटा या और 3 घंटा वो रोजगार विदंकित वाला नवीन सर की प्रैक्टिस सेट 18, टोटल 5 घंटा हम जिक्के खत्म की थी देख देख लो। यो भाई तक खाली छोड़ दियो यार पट्टा इस पेज वाला, ये देखो ये सारे करंट अफेयर 2023 के जनवरी के, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखा सारा याद सी और 2 जेड क्वेश्चन, बस मैंने ऑप्शन चाहिए 4। ठीक सर जनवरी में जो क्वेश्चन आगे वो तो मैं छोड़ दूँ करने देख लो, जनवरी 2023 का देख लो खाली पढ़ो, यहाँ पर करूँगा लिखूँगा फरवरी 2023 सारे भर दूँगा याद है देख लो खाली पढ़ा है। कल मेरा काम है भरना भरना ना, याद भी करना भाई भरू भरू होने में। टेस्ट मॉक टेस्ट को भाई मॉक टेस्ट देने से बात बन जाएगी ना, बने कदे ना बने मॉक टेस्ट दे लो 132 नंबर आया सी, फिर बाकी जो 70 नंबर कित कटे 68 नंबर कित कटे वो देखो ही कोने जब के फायदो देने को देखो भाई यहाँ पर गलती है सागर नहीं है सर। तो मॉक टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट दिया मैंने एनालाइसिस किया भाई कित मेरी के गलती है, तो वो सब दिखाओ। तो ये है भाई मेरा मॉक टेस्ट नंबर 14 ना 11 नंबर, इसमें मेरी ये यहाँ से शुरू किया है मॉक टेस्ट भाई, जो जो मेरा क्वेश्चन कटा है भाई, एक यो ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं थोड़ी सी वीक ज़्यादा वीक को ना थोड़ी सी, तो एक यो क्यों फॉर्मूला लिख दियो, एक यो यो भाई सब यो देखो दो बार पूछ चुको हो, 2-3 दिन पहले भी आए थे सामने क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में पता कौन सा, और आज फिर आओ यो क्वेश्चन भाई ये रट लो यो फॉर्मूला, एक यो भाई मैं सर्कल ना पढ़ो यार तक दिमाग में निकल गई, पर कोई ना निकल गई तो सरल ही है वैसे, पर मैं पढ़े हुए को ने सर्कल जब के फाए। फिर आते जिक्के, जिक्के में नंबर का टैग, तो जिक्के के देख लो ये सारे पूछे गए थे, क्या तारीख को है यो है 4 4 8 12 यो है 4 अगस्त 2023 को शिफ्ट 3rd को पेपर है। ठीक है यो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ये सारा क्वेश्चन ना पूछा गया काका, ये भी जो टेस्ट बुक पे जो क्यों मॉक टेस्ट दे फिर एनालिसिस भी टेस्ट बुक भी करे है ना भाई, थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी तो ये वाह है जानकारी भाई। ठीक है ये यार यो क्वेश्चन में गलत कर दियो, तो 1 एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू इतना बार ही सी, मैं कर दी 10 की पावर 5 बार, मैंने बाग गलती ना करो आएगी तो आएगी देखी जाओगी। फिर आते इंग्लिश, इंग्लिश भाई मेरा 19 सही था, कितना गलत था 6 गलत था, अब थम ना 3 गलत था 6 3 छोड़ दिया था, अब थमको होगा 6 क्वेश्चन में इतना बना दिया, अरे तो काका जो सही था उनका भी तो बनाया इसे भाई आगे जो ऑप्शन बाकी समझ गया होगा थम, ये देख लो ये इंग्लिश। कल भाई यहाँ से शुरू करूँगा 4 अगस्त 2023 का शिफ्ट 4 में जो पूछा गया ना वो सारे यहाँ करूँगा। पढ़ ली मैंने मैथ पढ़ लिया, मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, मैंने करंट अफेयर्स पढ़ ली, मैंने जीके पढ़ ली, बच की रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर। तो भाई रीजनिंग में पढ़ना ही छोड़ दियो, संन्यास ले दियो, संन्यास ने बताओ की गई सी वो कह मैं याद करे तुम्हें पता होना क्या की सी, लास्ट में डे आओ एक ईडियम फ्रेजिज से लास्ट में DAY आओगी, इतना मेरी याद से बस इतना ही बहुत से याद, पूरा याद करो जरूरी को ना वैसे बहुत इतना ही बहुत से, मैं इतना तो ऑप्शन देख कम कर दूँ, लास्ट में DAY आओ ठीक है हाँ DAY संन्यास लेना छोड़ो। ये भी सुनो बच्ची मेरी इंग्लिश ग्रामर और रीजनिंग, रीजनिंग में पढ़ना रहो क्योंकि मैं सर मॉक टेस्ट में देखा हूँ, मॉक टेस्ट में जो गलती है भी देखो रीजनिंग ना पढ़ो क्यों खराब करो बच्ची इंग्लिश ग्रामर, भाई मैं टाइम ना मिल रहा इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में, मेरा 4 2-3 चैप्टर बच रहे, एक तो कंजेक्शन बच रहे, एक प्रीपोजिशन बच रहे है, 2 ही चैप्टर बच रहे, वो कह ना वॉइस तो सब ना हो सारी दुनिया, नरेशन को एक क्वेश्चन ही ना हो यार नरेशन का तो आई करने के चक्कर सिलेबस ही वार है। तो ये सब है इंग्लिश देखूँ दिखा आज पढ़ूँ तो कोशिश करूँगा, टाइम ना मिल रहा है भाई यार, मैं भरपूर दिन चले जाओ देख लिया था खुद सोचे इतना लिखो यार वाह है
कल भाई मेरा टारगेट है जो आज मॉक टेस्ट दूंगा उसमें कम से कम 137 35 ऊपर, आज 132 है, कल 135 से ऊपर आना चाहिए नंबर, यो मेरा टारगेट है। बाकी मेरा मैं